नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निःशुल्क क्लासेस में। तो आज भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य को लेकर दो पैराग्राफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और इन दो पैराग्राफ की एक लास्ट कोशिश मेरी और है कि थोड़ा और रिवीजन आपके हो जाए, ठीक है। तो आज हम एक पैराग्राफ करेंगे, पहले पद्यांश करेंगे, उसके कुछ प्रश्न करेंगे, उसमें लगभग मैं कोशिश करूँगा अलंकार गुण रीति भाषा छंद रस के क्वेश्चन आ जाएँ उसमें से, और साथ ही कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर दो अलंकार हो तो हम मान लो एक ही पंक्ति में दो अलंकार हो तो कैसे पहचाने। अब मान लो जैसे एक पंक्ति है कि जैसे कोमल कलाइयां ठीक है, कुसुम सी, अब इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, कोमल कलाइयां कुसुम सी इस प्रकार से आ जाए। अब इसमें क्या है कि अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। लेकिन देखो, जिस प्रकार एक मूवी के अंदर एक मेन कलाकार होता है और उसके बाद एक सहायक कलाकार होता है, ठीक उसी प्रकार क्या है इस पंक्ति में निश्चित रूप से क क वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा है, अनुप्रास है। लेकिन इसका मुख्य अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। अब आप कहोगे सर हमारे तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, साइंस से बिलोंग करते हैं, तो हमें इस चीज का पता कैसे लगेगा। तो इतना टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बड़ा सिंपल अलंकार पूछा जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कई जगह है ना, मतलब जो क्लासेस में आपको है ना, मतलब जबरदस्ती मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि इतने अलंकार 20-25 अलंकार करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेपर 10th या 12th स्टैंडर्ड का पेपर आएगा मान लो, तो 12th स्टैंडर्ड में भी वो 6 या 7 अलंकार है, उससे बाहर आपको अलंकार नहीं पूछा जाएगा जो कि मैंने बता रखे हैं। तो इसलिए घबराएं नहीं, आराम से करें। और अभी हम एक सी टेट में पहले आए हुआ पहले पद्यांश है, मैं वो लूंगा और उसके बाद एक दूसरा पद्यांश और लूंगा, ठीक है। तो अब हम पद्यांश स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक पद्यांश है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, मैं देख लेता हूं। उसमें गरजते घन घनन घनन घन, नाचता है मौर सा मन, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, और ले रहे हैं खेत लड़ाई, आज वर्षा गजब आई। बिल्कुल अभी एट प्रेजेंट बीकानेर में तो बारिश हो ही रही है, तो अच्छा माहौल है। अब इसमें ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाए। इसमें यह है कि पुरवाई से क्या तात्पर्य है, प्रश्न है पुरवाई से क्या तात्पर्य है। देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड से लिख रहा हूं, इसलिए राइटिंग पे मत जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा बोर्ड मेंटेन कीजिए, ये मेंटेन कीजिए। देखिए मेंटेन आप 480 पिक्सल पे कर लोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, अपना काम चल जाएगा, है ना, फिलहाल अपना काम चल जाएगा। आगे जब कभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बैच लगाएंगे ना, तब थोड़ा सा और बढ़िया मेंटेन करेंगे। आपने जैसा कहा है वैसा जरूर होगा, लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में आप ये हैंड मतलब जैसा भी एडजस्ट कीजिए, ठीक है। ABCD, देखिए ये क्या प्रश्न है, पुरवाई से क्या तात्पर्य है, और पैराग्राफ आपने देख ही लिया, आप बैक जाके वापस देख सकते हैं। ऑप्शन ए है पूर्व की ओर बहने वाली पवन, और बहने वाली पवन। दूसरा है मदमस्त करने वाली हवा। तीसरा ऑप्शन है पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। तो अब ये देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब पढ़ा इसे कि गरजते घन 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 नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, बह रही है मस्त पुरवाई। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, बात तो हवा की हो रही है, तो ये ऑप्शन तो एकदम क्रॉस कर दिया जाएगा, मदमस्त करने वाली हवा, ये ऑप्शन भी एकदम क्लियर। अब दिक्कत आएगी ए और सी में, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली या पूर्व से आने वाली, पुरवाई कौन सी होती है, जो पूर्व से आती है वो या पूर्व की ओर जाती है वो। तो जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं वो तो उत्तरादि पूर्वादि दक्षिणादि सब जानते हैं, तो हम बस यहां कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां मतलब पूर्व से आने वाली हवा, पूर्व से
आने वाली हवा को ही क्या कहा गया है, पुरवाई कहा गया है। तो प्रश्न ज्यादा पहला टफ नहीं है, इसी प्रकार से ही प्रश्न आते हैं, हम लोग बेवजह घबराते रहते हैं। दूसरा प्रश्न आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर आपकी और मैं लिखूंगा अभी। दूसरा प्रश्न है कि खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि, खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि, भाई खेत क्यों अंगड़ाइयां ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब आप भी सोचते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न के पीछे ऐसा आए कि फलाने फलाने प्रश्न में क्या भाव सौंदर्य, क्या शिल्प सौंदर्य, विचार सौंदर्य। ये जो विचार सौंदर्य भाव सौंदर्य क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकते हैं, कोई जरूरत थोड़ी है कि क्वेश्चन के बाद में लिखा हुआ ही मिलेगा कि विचार सौंदर्य है। नहीं, खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि सुबह हो गई है वे नींद से जाग रहे हैं। पहला ऑप्शन है सुबह हो गई है वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। दूसरा ऑप्शन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। और चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। अब मुझे बताइए आखिर क्यों अंगड़ाइयां ले रहे हैं। अगर आपने पैराग्राफ देखा हो तो वापस पैराग्राफ को देखिए, क्या कह रहा है, गरजते घन घनन घनन घन नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन, बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई बढ़ रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई। यानी इसमें जो चारों ऑप्शन है उसे आप ध्यान से अगर पढ़ोगे, सुबह हो गई वे नींद से जाग रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है ये भी ऑप्शन नहीं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, देखिए मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, इसलिए वो अंगड़ाई ले रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। राइट कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सरल प्रश्न आएगा, चार ऑप्शन होंगे, दो तो पहले ही सिरे में खारिज कर दोगे, और आप मेरा पूरा आप पे विश्वास है कि आप दो तो पहले ही सिरे से खारिज कर दोगे और आप आराम से बाकी दो ऑप्शंस में से सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। घबराना मत, आपने सेकंड लैंग्वेज ली है, अगर मैं होता तो भी सेकंड लैंग्वेज ही लेता, ये भी पक्की बात है, मैं फर्स्ट कभी नहीं लेता, है ना। चलिए तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, गरजते घन घनन घनन में अलंकार है। देखिए क्या है, गरजते घन है ना, गरजते घन घनन, अच्छा घनन घन घन है ना, घनन घन घन इस प्रकार से है ना, आप कह दो गुरु जी ध लिख दियो, घ है भाई, ठीक है हाँ, गरजते घन। अब देखिए हमें ये पता है कि देखिए जब एक वर्ण बार बार आई, मान लो जैसे मैं तीन उदाहरण लिखता हूं, जैसे पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, दिखाव कुठारू, ठीक है। एक ये होता है कनक कनक ते सोगुनी, ठीक है, और यहां पर जो है वो है घन घनन घन इस प्रकार से। अब आप नोटिस कीजिए, देखिए यहां जब एक वर्ण दो बार आए, सेम दो बार एक वर्ण आए, सॉरी शब्द, वर्ण में गलत बोल रहा हूं, एक शब्द जब दो बार आए बीच में योजक चिन्ह लगा है तो, और अर्थ उनका सेम हो, तो वहां पर अलंकार जो होता है वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा होता है, पुनरुक्ति, यानी एक शब्द की पुनरुक्ति हुई है, अर्थ उसका सेम ही है, ठीक है, तो अब होता है पुनरुक्ति प्रकाश। जब एक शब्द दो बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो तब वहां पर होता है यमक अलंकार, ठीक है। जब एक शब्द की एक तरह से आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका न तो सेम अर्थ है न अलग अलग अर्थ है, वो तो एक अलग हिसाब से चल रहा है, जैसे घन घनन, तो यहां पर ये जो क्या है कि हम शब्द को ना देखकर किसको देखेंगे, वर्ण को देखेंगे, तो ये है वर्णों की आवृत्ति, और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां होता है साहब अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है उसका राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने भाई मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ला रहा हूं, उतने में आप आंसर देने की कोशिश तो कर रहे हो, माइंड में आंसर तो दे ही रहे हो, ठीक है, लेकिन राइट आंसर होगा अनुप्रास।
अब देखिए अगला चौथा प्रश्न और देखते हैं अपन। चौथा प्रश्न भाई मैं थोड़ा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा काम है कि आपका समय थोड़ा कम नष्ट हो और आप थोड़ा और बढ़िया तैयारी कर सको, तो कम समय में बेहतर देने का प्रयास है। इसलिए मन की उपमा किससे दी गई, स्क्रीन पे आप प्रश्न देख सकते हो। मन की जो उपमा है, यानी ये पूछ रहा है कि भाई उपमा अलंकार ही पूछ रहा है एक तरह से, मन की उपमा किससे दी गई है। फिर से स्क्रीन पे आप देखिए पैराग्राफ नजर आ रहा है आपको। अब आप बताइए कि मन की उपमा किससे दी गई है, पढ़िए। गरजते गनगन नाचता है मोर सा मन, नाचता है। अब देखिए वो अगर इस पंक्ति को सीधा दे दे कि नाचता है मोर सा मन नाचता, और वो पूछ ले इसमें अलंकार कौन सा है, तो सीधी सी बात है मन की तुलना किससे की गई है, मोर से की गई है। किससे की गई है, मोर से की गई है, बस सिंपल सी बात है। तो अगर अलंकार पूछे तो यहां उपमा अलंकार है, अलंकार पूछे तो उपमा, और इसने सीधा पूछ लिया कि मन की उपमा किससे दी गई है। तो प्रश्न को घुमाने वाला कैसे भी घुमा सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मोर सा मन, इसका मतलब यहां पे मोर से तुलना की गई है। पांचवा क्वेश्चन आप देखोगे, पांचवा क्वेश्चन है बेसुध है मन। स्क्रीन पे आप पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन, बेसुध है मन कवि बताना क्या, भाई बेसुध क्यों है मन, कवि क्या बताना चाहता है आखिर ये कहकर। तो पंक्ति में चलते हैं, स्क्रीन पे देखिए आपके सामने पैराग्राफ वापस आ गया है। क्या आया, गरज नाचता है मोर ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन आज वर्षा अजबाई। ऑप्शन है गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है या मस्त हो जाता है। भाई आखिर बेसुध क्यों हुआ मन, बस मन खो गया आराम से, आज ऐसे मौसम में बेसुध है मन, मन को कोई सुधि नहीं है, कुछ याद नहीं है, बस बेसुध होकर वो नाच रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो मस्त हो गया। कवि ऐसे बारिश के माहौल में कवि का मन जो है वो मस्त हो चुका है। तो एक तरह से ये देखा जाए ना, तो ये भाव सौंदर्य का क्वेश्चन कहा जा सकता है, है ना। सीधा पूछ ले बेसुध मन, इस कविता का भाव सुन ले, तो मतलब आज मस्त है मन, है ना। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, बेसुध है मन, बेसुध है मन, राइट आंसर क्या होगा, बेसुध है मन, ठीक है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और निकालते हैं अपन, कि लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य। भाई आखिर लिपट कर क्यों सो गया, इसका भाव क्या है, क्या कहना चाह रहा है कवि यहां पर। क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, वो विचार सौंदर्य भाव सौंदर्य के जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन के पीछे भाव सौंदर्य लिखा हुआ मिले आपको, ठीक है। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य, क्या थक गया है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, थक गया है क्या, या छिप गया है, या नींद में है, या खो गया है। लिपट कर सो गया सूरज, देखते हैं पैराग्राफ में चलते हैं। मेघों से लिपट कर सो गया सूरज ले रहे खेत अंगड़ाई आज, इसका मतलब वो सूरज लिपट कर सो गया। भाई सूरज सोता कब है, जब अंधेरा होता है, अंधेरा होता है इसका मतलब सूरज छिप जाता है, तभी तो अंधेरा होता है। तो प्रश्न खुद उत्तर जो ऑप्शंस हैं वो खुद चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि भाई राइट आंसर इसका बी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छिप गया है। देखिए आपके सामने है और स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे पास में मोबाइल में लिखे हुए पड़े हैं, तो मैं देख देख बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आप बार बार नीचे देखते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में। अरे यार तेरे को कॉन्फिडेंस से क्या करना है मेरे, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अब मैं ज़्यादा पूरा विस्तार से नहीं समझा सकता, इतना आपका समय नष्ट होगा, क्योंकि इनको विस्तार से समझना है तो पहले समझाया हुआ है, काव्य गुण माधुरी गुण प्रसाद गुण ओज गुण के बारे में बताया हुआ है, वेदर भी रीति गौड़ी रीति पांचाली रीति के बारे में बताया हुआ है। भाषा मैंने इस पर तो मैंने बहुत विशेष बताया था कि देखिए भाई अगर तुलसीदास है, तुलसीदास का कोई छंद आता है तो अवधी भाषा होगी, ठीक है। सूरदास है तो ब्रज होगी, ठीक है। मीरा है तो राजस्थानी ब्रज मिश्रित होगी, ठीक है। इसके अलावा छंद मैंने अलग बता दिए थे, और ये जो इस प्रकार की जो रचनाएं है ना, गरजते घन घन, इस प्रकार की जो रचनाएं आएगी कविता को कोई पद्यांश आता है तो उसमें अगर छंद पूछे तो याद रखना वो मुक्त छंद की कविताएं हैं। ये कैसी कविताएं हैं, मुक्त छंद की कविताएं हैं, बस घबराने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सरल सा पद्यांश आएगा और ये रस वगैरह तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन यहीं से अलंकार से आ जाएगा, गुण गुण भी आए तो आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। भाषा छंद में जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये छह क्वेश्चन है, इसमें लिपट कर सो गया सूरज का भाव यह है कि सूरज खोया नहीं है, थका नहीं है, नींद में नहीं है, बल्कि सूरज छिप चुका है। तो ये आपका पहला पद्यांश था।
ये आपका कैसा पद्यांश था? पहला पद्यांश था। अब देखिए आप दूसरा पद्यांश। अब की बार मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब की बार मैंने क्या है, खुद ने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं थोड़े से, तो मैं निकाल लेता हूँ, 2 सेकंड आपको लगेंगे। हाँ देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक पद्यांश है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर, इस खेत पर बैठा अकेला, कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना, चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। अब इसके बारे में क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन मान लो इसमें से ये बनता है कि मैं सीधा ही बनाता हूं कि प्रस्तुत काव्य में पूरे पद्यांश को ले लिया मैंने, पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार, सीधी सी बात है पूरे में, और क्या था, देख आया चंद्र गहना, देखता हूं अब मैं खेत की मेड़ पर बैठा अकेला, दृश्य है ना इस प्रकार से, एक बीते के बराबर ठिंगना चना, तो सबसे इंपोर्टेंट अब इसमें अलंकार कौन सा है, पूरे पद्यांश की बात की है मैंने, किसकी बात की है, पूरे पद्यांश की, और क्वेश्चन मेरे बनाए हैं रूपक या फिर उत्प्रेक्षा या फिर असंगति या फिर मानवीकरण, बताइए इनमें से 4 में से अलंकार, आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कुछ लांछन लगाने वाले तो बड़े जल्दी से लगा देते हैं, तो फिर आंसर देने देते समय भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी सिर्फ अपना स्पष्टीकरण दिया था कि मैं और वो व्यक्ति अलग है, लेकिन इसके बारे में बाद भी कुछ लोग फोकट में एक वायरल करने के चक्कर में जबरदस्ती उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। देखिए नरेंद्र दान चारण को पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग मुझे डिग्रियों के कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि नेट 2-3 बार मेरी भी हो चुकी है, उसके अलावा 2012 डूंगर कॉलेज में महाविद्यालय टॉपर भी हूँ, PhD में भी मेरा जो है एनरोलमेंट लगभग हो रखा है, लेकिन थोड़ा जॉब के कारण वो अटक गया था, कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे कोई डिग्रियों की धौंस ना दिखाएं, और फालतू वो कहता है ना कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो कुछ लोग अपना ज्ञान अपने पास रखें, मुझे ऐसी वाणी बोलने के लिए ना सिखाएं कि मैं अपनी मर्यादा में रहूं, मैं अपनी मर्यादा में रहना जानता हूं, लेकिन जहां मुझ पर लांछन लगता है वहां स्पष्टीकरण देना भी जानता हूं, चला के किसी से कोई गलत शब्द मैंने कभी नहीं कहे, सबसे मैं आदर भाव से बात करता हूं, तो इसलिए कुछ लोग अपनी मर्यादा का स्वयं ध्यान रखें, बाकी आप सभी समझदार हैं, धन्यवाद। देखिए घमंड की बात नहीं है, जब अपने पे उंगली उठती है तो निश्चित रूप से उसे, भाई अपने पे कोई चीज़ आ रही है तो धक्का देना स्वाभाविक होता है, और मैंने वही किया है, मेरा काम किसी को बदनाम करना या लांछन लगाना नहीं है। कुछ लोग बिना वो कहते ना कि कुछ अच्छी चीज़ बताने के लिए दिमाग लगाते हैं, फोकट में व्यर्थ में परेशान करते हैं, काम धंधा तो कुछ होता नहीं है। हाँ चलिए भटक गए थे अपने, आप सभी साथियों से नहीं कह रहा, कुछ हैं असामाजिक तत्व तो हर जगह पाए जाते हैं। चलिए देखिए इस पूरे काव्य में अगर आप नोटिस करोगे तो देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य मेड़ पर, भाई मैं खेत की मेड़ पर जो बैठा मैं देख रहा हूँ कि भाई पूरे खेत में जो वातावरण है, एक बीते के बराबर हरा ठिगना चना, उसने बांधे मुरेठा शीश पर, है ना, मतलब शादी के लिए सज धज कर तैयार हो रखा है, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, और पास मही में मिलकर उगी है सरसों हटीली, देह की पतली, मतलब मानवीकरण अलंकार कब होता है, जब मनुष्य पर जो मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रकृति के माध्यम से बताया जाता है, सखी मेघ आए वन ठन संवर के, कि सखी देख तू मेघ ने बादल नहीं एकदम वन ठन संवर रहा है, काड़ो काड़ो पाउडर लगा रहा है ना, तो ऐसी जब बातें आती है ना, तो ये बनने ठनने संवरने का काम का स्त्रियों का है या व्यक्तियों का है या पुरुष का है, या पुरुष का तो खैर नहीं है, बनने ठनने का स्त्रियों का है, या मैं यूं कह सकता हूँ ये मनुष्य का काम है, प्रकृति का काम थोड़ी है, लेकिन जब प्रकृति को के माध्यम से इस प्रकार की बातें बताई जाए तो वहां मानवीकरण होता है, और इस पूरे, हालांकि ये छोटा सा पद्यांश है, इस पूरे पाठ को जब 9th क्लास में पूरे पाठ को पढ़ते हो आप, तो आपको लगता है इसमें अलंकार मूल रूप से जो अलंकार है, मुख्य अलंकार, वो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, जब भी मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रकृति के माध्यम से बताया जाए तो वहां ध्यान रखना मानवीकरण अलंकार ही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, समय बिल्कुल कम लूंगा आपका और ज्यादा से ज्यादा आपको बेस्ट करवाने की कोशिश, 2 पैराग्राफ करवा दूंगा आज की डेट में। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, चने की तुलना किससे की गई, स्क्रीन पर आपके सामने है, चने की तुलना
किससे की गई है? बस आप किससे की गई है? वही सेम ऑप्शन है बी सी और डी। देखिए, क्या चने की तुलना गुलाबी फूल से? या दूल्हे से की गई है? या किसान से की गई है? या फिर चौथा ऑप्शन था, हाँ, जमींदार से। किससे की गई है? अब आपको सर ऐसा है, ये तो ऑप्शन है, साफ पता चल भाई, चने खेत में खड़ा हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। भाई शादी के लिए तैयार वो किससे? उसकी तुलना दूल्हे से की जा रही है। उसकी तुलना किससे की जा रही है? दूल्हे से की जा रही है, ना तो गुलाबी फूल से, ना किसान से, ना जमींदार से। किससे की जा रही है? दूल्हे से। ऑप्शंस देखते ही आपको उत्तर आ जाएंगे, ये मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास बनाए रखें। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त छंद कौन सा? ये बहुत सिंपल से मैंने कहा ना, यही क्वेश्चन उठाए हुए मेरे। प्रस्तुत कविता में छंद कौन से हैं? भाई प्रस्तुत कविता में छंद कौन सा है? तो वही ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है आपके सामने। अब आप देखोगे छंद, तो वही सवैया, सवैया, मुक्त छंद, दोहा, और यह चौथा आपने दे रखा है कवित छंद। अब आप देखोगे कि अब आपको नहीं पता है सवैया कौन सा होता है, कवित कौन सा होता है, नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार की जो रचनाएं आएगी जो एकदम स्वतंत्र होगी, ठीक है, उनमें कोई अलग से राग नहीं है, तो वो मुक्त छंद की होगी। जो आधुनिक कविताएं हैं वो अधिकतम कविताएं, बल्कि 99.99% वो मुक्त छंद की कविताएं आएगी, तो उसका राइट आंसर होगा मुक्त छंद। क्योंकि सवैया जो होता है ना, वो किस प्रकार से होता है? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो तुलसी सरनाम गुलाम एक राम को जाके रुचे सो कहे कछु को मांगी के खेबो मसीद के सोईबो लेबे को एक न देबे को दो। 12वीं क्लास के जो 8वें पाठ के तीसरा छंद है ये, तो वो सवैया छंद है। अगर हमसे पूछ लिया जाए दोहा, तो आपको पता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए कबीराल, है ना, कबीरदास जी के खूब दोहे। तो दोहा जो होता है गुरु गोविंद दो खड़े, ये जो आपको सब पता है। कवित छंद कौन सा होता है, उसकी राह क्या होती है? किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को, इस प्रकार की राग होती है, है ना। खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो कहा जाए का करी। ये होता है कवि दारिद्र दशान ने दबाई दुनि दीन बंधु। देखो अनुप्रास अलंकार, दारिद्र दशान ने दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन सम तुलसी हाहा करी। तो ये होता है कवित छंद, लेकिन ये इसमें इस प्रकार की कोई राग नहीं है, इसे तो हम हल्का सा राग में लेकर पढ़ रहे हैं। ये मुक्त छंद की कविता है। कौन सी कविता है? मुक्त छंद की। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पेपर बड़ा अच्छा होगा। बेस्ट विशेष साथ में है। और आज भी दो तीन मैसेज आए हुए थे निर्मला गहलोत मैडम का, दो तीन और भी हैं, उन्होंने कहा सर रीट के एग्जाम से पहले एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए अगर आप मेरे से मिलने का कोई इच्छुक हो तो आप निश्चित रूप से एक साथ एक टाइम तय करके और घर आ सकते हैं। और आपको लगता है कि एक तरह से ये मिल ही तो रहे हैं, फिर भी आपको अगर इच्छा हो, आपको कॉन्फिडेंस ऐसा लगे कि सर से मिलकर हमारा कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सकती है, तो मैं एनी टाइम छात्र हित के लिए और प्रकृति, ठीक है, बस दो चीज़ के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, तो आपका स्वागत है। आप जब चाहें आकर मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अलंकार हमने छंद का देख लिया, अगला देखिए प्रस्तुत कविता का भाव सौंदर्य क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। प्रस्तुत कविता का भाव सौंदर्य, भाई बताइए प्रस्तुत कविता का भाव सौंदर्य, ए बी सी और डी। प्रस्तुत कविता का भाव सौंदर्य, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या भाव सौंदर्य मतलब इसमें क्या हुआ? फसलों का चित्रण, क्या इस बात में भाव सौंदर्य है? हरे भरे ग्रामीण
परिवेश का चित्रण? इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे कमेंट बॉक्स में, और जितने साथी देखते हो वीडियो कम से कम उतने सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करो। वैसे ही लोग कह रहे हैं कि मैं तो मार्केट की मूंगफली हूँ और बादाम कोई और है, तो भैया मूंगफली बढ़िया चीज़ है जो गरीबों के मुंह में जाती है, बादाम बनने का शौक मुझे नहीं है। मटर के पौधे का चित्रण फसलों के विवाह का मानवीकरण, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न दिया है। आप अगर इस कविता को ढंग से पढ़ोगे तो दो ऑप्शन तो पहले से ही कट जाएंगे। कौन कौन से कट जाएंगे? आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, नहीं दे दिया होगा सोचिए। देखिए, एक तो ये ऑप्शन कट जाएगा पहले, फसलों का चित्रण करना कोई भाव सौंदर्य नहीं है, क्योंकि हम भाव पे चले, इस कविता का मूल भाव क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये है मटर के पौधे का चित्रण, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हरे भरे ग्रामीण परिवेश का चित्रण करना, उसका चित्रण करना, और या फसलों के विवाह का मानवीकरण, ये दोनों ही बातें उस पद्यांश में है, लेकिन अब है कि निकटतम आंसर कौन सा है। तो देखिए, इस कविता का मूल भाव फसलों के विवाह का मानवीकरण है या हरे भरे ग्रामीण परिवेश का चित्रण है? बी और डी दो क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ईमानदारी से देना है दोस्तों, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में दोगे ताकि लोगों को पता चले कि ये बाजार की जो मूंगफली है वो बादाम से कहीं बढ़कर है, है ना? बिल्कुल पता लगना चाहिए लोगों को, मतलब मेहनत की, संसार में ये मेहनत की कोई कदर नहीं है। हाँ, तो राइट आंसर बताइए, मटर के पौधे का चित्रण फसलों के विवाह का मानवीकरण। देखिए, इसमें निश्चित रूप से फसलों के विवाह का मानवीकरण है, लेकिन ये चीज भी इसमें समाहित हो जाती है, तो इसका निकटतम आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी, हरे भरे ग्रामीण परिवेश का चित्रण। तो इसीलिए कहता हूं प्रश्न टफ नहीं है, बस दो ऑप्शन काट देना, उसके बाद जो लास्ट दो बचे उनमें ध्यान से देखना, अच्छे से आप देखोगे तो आपको राइट आंसर भी मिल जाएगा। और अब इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है देह की पतली विशेषण, देह की पतली, ये विशेषण किसके लिए आया है? अब ऑप्शन लिखने से पहले ही आपने शायद आंसर दे दिया होगा। देखिए, ए बी सी और डी, ये क्या चने के लिए आया है, मटर के लिए, स्त्री के लिए या सरसों के लिए, किसके लिए आया है? अब जब तीन फसलें एक स्त्री है, तो जिसके नहीं पड़ा हुआ है वो 100% सी करेगा, जिसके नहीं पढ़ा हुआ है ना, जो तुक्के से तैयारी देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, वो 100% सी करेंगे। क्यों? क्यों वो सोचते हैं चने मटर सरसों के लिए थोड़ी आएगी, लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता है अच्छी तरह, सॉरी सरसों थोड़ी है, क्या है पैराग्राफ क्या था बीच, हाँ अलसी तो लिखा ही नहीं, यहां लिख देते हैं सरसों और यहां अलसी, ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिए थे, कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली और कमर की लचीली। अब मुझे बताइए किसके लिए आया, क्या सरसों के लिए, क्या स्त्री के लिए, चने के लिए, अलसी के लिए? तो जो नहीं पढ़ेगा वो स्त्री करके आएगा, लेकिन जिसने पढ़ रखा है वो इसका राइट आंसर क्या करेगा, डी अलसी करेगा। क्या करेगा दोस्तों? डी अलसी करेगा। तो दो पैराग्राफ है, खूब है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में पांच, लगभग चार या पांच पैराग्राफ करवा दिए थे, उससे पहले मैंने काफी क्वेश्चंस बता रखे हैं, तो मैंने आपको लगभग 10 से 15 पद्यांश अच्छे अच्छों को प्रैक्टिस करवा रखी है, लगभग ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं पहले वीडियो में, अब शॉर्ट में नहीं हो सकते क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है, और जो पहले कर रखे हैं आपको नहीं आते तो आप उन्हें देख लीजिए, आपको फायदा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिए, ना तो नरेंद्र दान चारण में कोई लाग लपट है, ना किसी प्रकार का घमंड है, और ना ही कोई ऐसा है कि मुझे किसी प्रकार की पब्लिसिटी चाहिए, ये मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं ये क्लासेस देता हूँ, ज़रूरतमंद साथियों की हेल्प हो जाती है,
और जो क्या कहते हैं कि जिनको पसंद नहीं वो उल्टे सीधे बकवास करके चले जाते हैं, और जो ये बोल रहे हैं कि आप तो मार्केट की मूंगफली हो, बादाम के भाव हमेशा बढ़े रहते हैं, तो बिल्कुल मैं बादाम इस मार्केट यूट्यूब के मार्केट की मूंगफली बन के रहना चाहता हूँ ताकि मैं गरीबों के मुँह तक पहुँच सकूँ। मुझे शौक़ नहीं है बादाम बनने का, ठीक है। तो जवाब देना आता है भाई साहब, लेकिन यह है कि बिना कारण से भी जब लांछन लगाया जाए तो गलत है। आपसे ही कह रहा हूँ कि आप तथ्य को जाने के बिना फालतू बकवास न करें तो बढ़िया है, वरना शिक्षक को तो हर कोई मर्यादा सिखाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शिक्षक से किस तरह से बात की जाती है वो मर्यादा भी होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैं आपको जो थैंक यू और गुड लक का मैसेज देने के लिए ज़रूर आऊँगा कल या परसों तक, यानी कल लास्ट 22 तारीख है ना, तो कल शायद हम लास्ट क्लास लेंगे, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।